वैसे तो साल के 12 महीने कोई ना कोई व्रत या त्योहार चलता ही रहता है, पर इन सभी व्रत में करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु हो, इसके लिए वह भगवान से प्रार्थना के तौर पर इस व्रत को रखती हैं। सदियों से इस व्रत की रीत है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह 4 बजे ये सभी सुहागिन महिलाएं बीती शाम को अपने आस पड़ोस में सभी व्रत धारण करने वाली महिलाओं को सरगी वाली थाली को बांटती हैं तथा उनमें से रखे गए सरगी के सामान को महिलाएं प्रसाद के तौर पर अगली सुबह ग्रहण करती हैं तथा सारा दिन निराधार पानी की एक बूंद तक अपने हलक से नहीं उतारती जब तक ये व्रत धारण करने वाली महिलाएं चांद के दीदार न कर ले। हालांकि करवा चौथ का ये व्रत इसी माह की 20 तारीख को आ रहा है, पर पिछले एक सप्ताह से बाजार में रौनक बनी हुई है। जिला के दूरदराज क्षेत्रों से आई महिलाएं इन दिनों बाजार में खुलकर खरीदारी कर रही हैं। सड़क के किनारे और दुकानों के बीच महिलाओं का तांता लगा हुआ है। यह महिलाएं आने वाले करवा चौथ व्रत को लेकर सरगी खरीद रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि करवा चौथ का ये व्रत अपने पतियों की लंबी उम्र हो, इसके लिए रखा जाता है। इन महिलाओं ने अपने विचारों को साझा करते हुए कहा कि व्रत रखने वाली सभी सुहागिन महिलाएं सरगी खरीदने के साथ वो अपने लिए नया सूट लेना भी पसंद करती हैं तथा कुछ महिलाओं का ये कहना भी है कि व्रत वाले दिन उनके पति उनको कहीं घुमाने ले जाएं, तो कुछ एक महिलाओं का कहना है कि साल के एक दिन उनके पति उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएं। पिछले एक सप्ताह से जिस तरह से बाजार महिलाओं से भरा पड़ा हुआ है, उसको देखते हुए दुकानदार बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इन दुकानदारों का कहना है कि इन दिनों उनकी दुकानों में खूब रौनक देखने को मिल रही है। महिलाएं इस व्रत को लेकर तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियां, लिपस्टिक, सुहागी चूड़ा व व्रत से संबंधित सभी चीजों को खरीद रही है, जिससे आने वाले व्रत के समय में इनकी जरूरत पड़ती है। व्रत तो आपको किस तरह से रखनी है और कैसा आपको अनुभव हो रहा है? हेलो सर, गुड इवनिंग, मेरा नाम पूजा शर्मा है। एक्सपीरियंस तो सर इस मेरा 4th टाइम है, बट अभी ये वाला जो व्रत है ना, थोड़ा मतलब होप सा पैदा हो रहा है, क्योंकि अभी आपको पता है एक दो दिन है ना, कल जो हुआ कुत्ते वाला, तो डर के ही मतलब बाजार आ रहे हैं लोग। बाकी व्रत के बारे में बताइए, आपको आपको कैसा महसूस? एक्साइटमेंट तो है, एक्साइटमेंट तो है सर। कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस सभी लेडीज सुंदर सुंदर कपड़े लें और सुंदर सुंदर बने, दैट्स ऑल। क्या क्या सामान खरीदारी क्या होती है? खरीदारी सूट्स वगैरह, ये फैनियम वगैरह, और क्या होते हैं मट्ठी वगैरह, ठीक है, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह एंड मिठाइयाँ, फ्रूट्स, ये सब। तो मैम जितना उत्साह औरतों में है, क्या इतना उत्साह मतलब मर्दों में भी होता है? देखा नहीं, ऐसा है या नहीं? सर होता तो है, बट औरतों में ज़्यादा कंपैरिजन मर्दों में कितना है ये नहीं पता। और थैंक करने के लिए, बाकी रश है काफी बाजार में, मजा छुपता रहती है करवा चौथ बड़ी ज्यादा, क्योंकि साल बाद एक दिन होता मरनी पड़े स्पेशल। क्या क्या सामान खरीदते हैं? सारा मतलब बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, नया सूट, फैनी, नारियल, सब कुछ। आप कुछ लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बड़ी अच्छे से मनाए, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के, हस्बैंड वाइफ के लिए खाना बनाए इस दिन, एक दिन रेस्ट दे दे वाइफ को। थैंक यू करने के लिए, बाकी रश है काफी बाजार में, मजा छुपता रहती है करवा चौथ बड़ी ज्यादा, क्योंकि साल बाद एक दिन होता मरनी पड़े स्पेशल। क्या क्या सामान खरीदते हैं? सारा मतलब बिंदी, लिपस्टिक, नेल पेंट, नया सूट, फैनी, नारियल, सब कुछ। आप कुछ लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बड़ी अच्छे से मनाए, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठ के, हस्बैंड वाइफ के लिए खाना बनाए इस दिन, एक दिन रेस्ट दे दे वाइफ को। थैंक यू। इस व्रत के बारे में बताइए कि कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, करवा चौथ के व्रत का सबको बड़ी खुशी से इंतजार रहता है कि कब करवा चौथ का व्रत, और वो ढेर सारी शॉपिंग करें ज़्यादातर। आपको पता है औरतों को शॉपिंग करने की मतलब होती है कि सब हम शॉपिंग करें। हाँ जी, शॉपिंग देखिए, जो भी औरतों का सजने सबने का जो भी सामान होता है वो सारा कुछ लेती हैं वो, जैसे कि सूट्स हो गए, चूड़ियाँ वगैरह हो गई, इयर रिंग्स हो गए, सब कुछ जो भी उनका लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह सब कुछ लेती हैं वो, कुछ ज्वेलरी वगैरह की भी शॉपिंग होती है। हाँ जी। तो मैम आप सुबह, आपके लिए नहीं, मैं तो ऐसी कोई डिमांड नहीं रखती हूँ कि अगर हम भूखा रह रहे हैं तो वो भी भूखे रहें, बस ये कि उस दिन वो हमारा थोड़ा सा हमें घुमाने फिराने ले जाएं कहीं और हमारे लिए खाना वगैरह बना दें। और लोगों में कोई संदेश देना चाहेंगे इस व्रत के त्यौहार पे? मैं यही कहना चाहूँगी कि
हर औरत वैसे तो खुश नसीब होती है कि उसको ये व्रत रखने का मौका मिलता है, क्योंकि पति के लिए हम जितना करें उतना कम है, क्योंकि वो हम देखा जाए तो एक तरफ से वो हमारे सब कुछ हैं, शादी के बाद पति सब कुछ होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी से ये व्रत रखना चाहिए। मार्केट में बहुत रौनक है, मेरी धर्मपत्नी भी व्रत रखती है। और मार्केट तो इसमें बैंगल्स होती है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश वगैरह जो है सभी को सर्गीय बांटते हैं। जैसे जो शादीशुदा औरतें होती है वो अपने जैसे मतलब कि जो कलीग होते हैं उनको जो है मतलब सर्गी में जो है चूड़ियाँ देती हैं, सिंदूर, काजल, मेहंदी होती है, शीशे होते हैं, कंघी होती है, सारा जो है एक स्वागी का सामान देते हैं एक दूसरे को। खबर हिमाचल से के लिए चंबा से सुभाष महाजन की रिपोर्ट।